अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे पैनकेक्स। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है जिसे आप झटपट बना सकती हैं बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए, या फिर ब्रेकफास्ट के लिए आप इसे झटपट बना सकती हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले हमें अंडे चाहिए। अंडे हमें 4 अदद चाहिए रूम टेम्परेचर पर रखे हुए। अगर अंडे रूम टेम्परेचर पर ना हो, फ्रिज में रखे हुए हों, तो आप कम से कम 1 से 2 घंटे पहले फ्रिज में से इसे निकाल लें ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इसे अब हम एक बाउल में डालेंगे और इसमें हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा स्वीट पसंद हो तो आप 1.5 कप भी इसमें ऐड कर सकती हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने इसे बीट कर लेना है कम से कम 5 से 6 मिनट, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए और जो चीनी है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये आप देख सकती हैं कि ये क्रीमी सा हो गया है। अब हम एक सॉस पैन लेंगे। सॉस पैन में हम 1 कप दूध गर्म करेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून मक्खन ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून भर के हमने इसमें बटर ऐड कर लेना है। दूध हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें जब हम बटर डालेंगे तो बटर हो जाए। 1.5 कप हम इसमें टोटल फ्लोर यूज़ करेंगे, लेकिन इस टाइम मैं इसमें 1 कप फ्लोर डाल रही हूँ, यानी कि मैदा मैं इसमें यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून इस स्टेज पर हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है और इसे अच्छे से सिफ्ट कर लेना है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये आप देख सकती हैं कि बटर इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसमें हम वनीला पाउडर या फिर वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और अब हम इसमें मज़ीद फ्लोर यानी कि मैदा ऐड करेंगे। 1/2 कप के करीब हम इसमें मैदा डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से सिफ्ट करेंगे। मैदा 2 बैचेस में डालना ज़रूरी है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद ये आप देख सकती हैं कि ये इस तरह का रनी सा बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसे एक मेजरिंग जग या फिर मेजरिंग कप में डालेंगे ताकि हम इसे आसानी से पोर कर सकें। एक नॉन स्टिक पैन या फिर तवा लेंगे। याद रखें कि ये नॉन स्टिक ही होना चाहिए। और इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल डालकर इस तरह किचन पेपर से हम इसे साफ़ कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे। याद रखें कि हीट हमारी लो होनी चाहिए, लो फ्लेम होनी चाहिए। अगर आप आंच आपकी तेज़ होगी तो ये पैनकेक हमारा जल जाएगा। तो लो आंच पर हम इसे पकाएंगे। और जब आप देख सकती हैं इसमें ऐसे करके बबल्स आने शुरू हो जाए और ये किनारे छोड़ने लगे, तो तब हम इसकी साइड आहिस्ता से टर्न करेंगे। ये आप देख सकती हैं कि इसका अच्छे से कलर आ गया है। दोनों साइड से हमने इसे लो हीट पर पका लेना है। इसी तरह हमने सारे बना के तैयार कर लेने हैं। और जब इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएं तो इस तरह आहिस्ता से हमने इसे टर्न कर लेना है। याद रखें कि हीट जो है वो बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। लो टू मीडियम हीट पर हमने इसे कुक कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसे कुक होने में। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इसे आप एज इट इज़ गरम गरम सर्व करें, या फिर आप इसे हनी के साथ सर्व करें, कोई सी सिरप के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं। बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में दे सकती हैं, या फिर आप इसे ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लफ़ी हमारे पैनकेक्स रेडी हैं। ये वही पैनकेक्स हैं जिससे मैंने इससे पहले आपको केक बनाना सिखाया था, क्रीम केक। और यकीन जाने ये बहुत ही ज़बरदस्त केक बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे एज इट इज़ खाइए या फिर आप इसे क्रीम केक बनाइए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक बनता है। तो उस केक की कटिंग इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगी कि वो मैंने कट करके कैसे उसका लुक आया है। और इसको मैंने सर्व किया है स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ और कुछ बटर के साथ, और साथ ही मैंने इसके ऊपर थोड़े से चेरीज़ जो कि ग्लेज चेरीज़ होते हैं वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। आप इसे अपनी टेस्ट के हिसाब से सर्व कर सकती हैं। जो भी आपका दिल चाहे तो आप उसी तरह इसे सर्व कर सकती हैं।
और ये आप देख सकती हैं कि ये वही केक है जो कि मैंने पैन केक से बनाया था। और यकीन जाने ये बहुत ही ज़बरदस्त केक बनता है और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये पैन केक से बना हुआ केक है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।